हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग चलते हैं कोनिका मिनोल्टा बेझर C258 पे। आज मैं आपको बताता हूँ कि टोनर रिफिलिंग कैसे होता है। तो टोनर रिफिलिंग के लिए आज मैं आपको बताता हूँ, और इसी तरह कोनिका मिनोल्टा बेझर C224, 224E एंड 284E एंड 364E एंड कोनिका मिनोल्टा बेझर C258 और 368। ये जो मशीन का मॉडल मैंने आपको बताया, प्रिंटर का मॉडल बताया, ये सारे प्रिंटर में सेम रिफिलिंग होता है और इस सेम प्रोसीजर है। तो चलिए चलते हैं कोनिका मिनोल्टा बेझर C258 पे। आज मैं आपको टोनर रिफिलिंग करके बताता हूँ आपको। और मैं जो आज टोनर रिफिलिंग करने वाला हूँ, मेरे पास पाउच में टोनर आता है और टोनर बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो हम लोग हर क्लाइंट को ही देते हैं, अच्छा क्वालिटी आता है, प्रिंट क्वालिटी भी अच्छा है। और आज मैं आपको बताता हूँ मेरा लोकेशन। मैं हूँ कोनिका मिनोल्टा का इंजीनियर हूँ, सेल एंड सर्विस भी करता हूँ, और मैं यहाँ पे हूँ पुणे महाराष्ट्र। पुणे से 100 किलोमीटर डिस्टेंस में किसी को टोनर कंज्यूमेबल पार्ट्स वगैरह चाहिए या सर्विस चाहिए, तो पुणे से 100 किलोमीटर डिस्टेंस में आपको आपके मशीन का सर्विस दे सकता हूँ। लेकिन कोनिका मिनोल्टा ओनली कलर मशीन, कोनिका मिनोल्टा C220, 280, 360, कोनिका मिनोल्टा बेझर C224, 224E, 364 एंड कोनिका मिनोल्टा 258 एंड 368, ये सब कलर मशीन का मैं आपको सर्विस दे सकता हूँ पूना से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे। चलिए चले आ गए हैं प्रिंटर पे। ये कोनिका मिनोल्टा बेझर C258 है। देखिए, फ्रंट डोर ओपन किया और लॉक के लिए लेफ्ट साइड घुमाते हैं बॉटल को। लेफ्ट साइड घुमाने के बाद बॉटल को बाहर निकाल लेंगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कोनिका मिनोल्टा बेझर C258 का येल्लो कलर का टोनर रिफिलिंग कर रहा हूँ। कैसे रिफिलिंग करते हो बता रहा हूँ आपको। ये बॉटल लेकर के आया हूँ बाहर, वो दिखाता हूँ कैसे उसका लॉक निकलता है। चार लॉक रहता है, यहाँ पे एक लॉक रहता है, और मैंने जो पकड़ा है ना, नीचे से फिंगर जो ना, थंब जो इसका अंगूठा बोलते हैं, नीचे से उसको ऊपर पुश कर रहे हैं और उसको जो लॉक थोड़ा सा ऊपर बाहर से बाहर निकाल रहे हैं। तो वो चार लॉक को बाहर निकालने के बाद, उसके बाद ये ब्लैक वाला पकड़ करके, ब्लैक कलर का जो है उसका कवर पकड़ के निकाल लेंगे, और ये भी निकाल लेंगे। ये निकालने से बहुत ईजी उसमें टोनर जाता है। उसके बाद इसको ब्लोअर कर देते हैं। ब्लोर करने से क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। तो क्लीन कर देता हूँ पूरा ब्लोर करके। ये कोनिका मिनोल्टा बेझर C258 टोनर का, C258 मशीन का येलो कलर का टोनर आज मैं रिफिल करके दिखा रहा हूँ आपको। और सारा सेम ही है, जैसे ये प्रोसीजर उसी तरह उन सब का भी प्रोसीजर है। ऐसे मैं दिखा देता हूँ, येलो कलर को उसी तरह सियान भी कर सकते, मैजेंटा कर सकते, ब्लैक भी कर सकते, सेम सेम है। तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ कैसे रिफिलिंग होता है कोनिका मिनोल्टा का ये सब प्रिंटर का। तो मैं पहले ब्लोर कर देता हूँ, उसके बाद दिखा देता हूँ कि उसमें टोनर कैसे डालते हैं। तो मेरे पास टोनर रहेगा आपको पाउच का, ये देखिए केएम का टोनर यूज़ करता हूँ, केएम सुपर टोनर का। ये टोनर बहुत सुपर है, बहुत फाइन है, बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है। तो इसको शेक कर लीजिएगा अच्छे से आप। शेक करने के बाद ऊपर उसको कट करेंगे, थोड़ा सा कॉर्नर को थोड़ा ही कट कीजिए, ज़्यादा बड़ा कट मत करिएगा। ज़्यादा बड़ा कट करने से क्या होता है, टोनर आपको बाहर गिरने लगेगा। तो छोटा ही कट करेंगे। कट करने के बाद उसके बाद सीधा बॉटल में डालेंगे। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे डालते हैं। ये देखिए इस तरह का ये पाउच जो है, वन टाइम यूज़ के लिए होता है, 400 ग्राम्स का है। तो ये टोनर बहुत सुपर है, बहुत फाइन है, बहुत अच्छा क्वालिटी वगैरह भी आता है इस टोनर में। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बस इसमें डाल देना इस तरह का, ये देखिए। और इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, नॉलेजफुल लगे, तो मेरा वीडियो को आगे शेयर भी करें। इसी तरह का टोनर इसमें डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसीजर क्या है। लास्ट तक जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। ये डालने के लिए बहुत इजी है, समझे। इसी तरह का रिफिल और भी बहुत सारा प्रिंटर आता है जो मैंने आपको बताया है, आगे भी आपको बताता रहूँगा इसी तरह का वीडियो में, अच्छे अच्छे नॉलेजफुल। ये देखिए 400 ग्राम में वन टाइम यूज़ करने के लिए रहता है, ये पूरा भर जाता है। तो
ये मैंने पूरा डाल दिया है पाउच इसमें। उसके बाद ये डालने के बाद एक ऊपर का जो छोटा वाला ब्लैक कलर का लॉक था ना, वो लगाएंगे। देखिए अभी हमारे साथ जुड़े रहिए आप पूरा वीडियो में। देखिए ये, देखिए ये छोटा वाला जो लॉक है, कवर है, उसको अंदर डाल करके थोड़ा सा प्रेस करके घुमा देंगे तो ये वाला लेबल में आ जाना चाहिए इसके बॉटल में। उसके बाद और कुछ नहीं है, ये जो कवर है ब्लैक कलर, उसके ऊपर डाल करके सिर्फ प्रेस कर दें तो लग गया, ये हो गया रिफ़िल। बस और कुछ नहीं, ब्लोर मार दे बस क्लीन करने के लिए। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ फिर मशीन में लगाने के लिए कैसे लगाते हैं। बोतल जैसे निकाले वैसे लगा देने का, और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अपने प्रिंटर को भी इस तरह का रिफ़िल कर सकते हैं, लेकिन टोनर जो भी आप डालिए अच्छा क्वालिटी का डालिए ताकि प्रिंटर में प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरह का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये देखिए मैं लगा देता हूँ बोतल, और बोतल लगाने के बाद लॉक करने के लिए राइट साइड घुमा देते हैं। ये देखिए लगाया मैंने, उसके बाद राइट घुमा दूंगा। ये देखिए उसके बाद कवर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।